नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से लाइफ एंड फूड में। आज हम एक और नई रेसिपी लिख के हाजिर हैं आपके लिए, जो है मसाला पूरी। तो मसाला पूरी देखिए, देखने में ऐसा है और इसको ग्रेवी वाली सब्जी के साथ खाते हैं, तो हमने आज यही बनाया है। आइए देखते हैं इसकी रेसिपी। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार, चटपटा है, बच्चों को बड़ों को सबको पसंद आएगा। तो आइए बनाते हैं। सबसे पहले हम यहाँ ये एक परात लेंगे। परात मतलब कोई भी बड़ा बर्तन, और आटा जितने लोगों के लिए बनाना है उतना लेंगे आटा। और फिर एक बड़ी चम्मच हम बेसन डालेंगे और वही एक बड़ा चम्मच सूजी डालेंगे। मतलब आटा अगर आपका 4 कप है तो 1 कप सूजी और 1 कप बेसन होगा। उसके बाद ये अदरक है, एकदम बारीक पिसा हुआ है, और ये मिर्च है जिसको हमने पीस दिया है। लेकिन क्या हुआ कि ये मिर्च का, ये नमक है, मिर्च का जो स्किन है वो बारीक नहीं पिसा गया, लेकिन ये इतना पतला है कि ये पूड़ी में बिल जाएगा। और ये हल्दी है, तो आप मिर्च चाहे तो ऐसे पीस के डालें चाहे मिक्सी में। ये गरम मसाला धनिया था, जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, और ये है हींग। और आप चाहे तो चिली फ्लेक्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये है हरा धनिया। और इसको हम सबसे पहले तो इसको इसमें डालेंगे 1 चम्मच तेल, जो मैं भूल गई थी तो मैंने बाद में डाला है। 1 से 2 चम्मच तेल डालेंगे और इसको खूब अच्छे से मिक्स करेंगे आपस में। मैंने मिक्स इसलिए नहीं किया कि पंखा चल रहा था, तो मैंने थोड़ा सा पहले पानी डाला फिर मिक्स किया। आप चाहें तो पहले मिक्स कर लीजिए, लेकिन मुझे पहले थोड़ा पानी डालना पड़ा क्योंकि आटा जो है वो उड़ता है। तो इसको हम खूब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पहले सूखा ही मिक्स कर लें आप चाहे तो इसको खूब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर इसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसको थोड़ा सा जो है उसको हार्ड ही गूंथेंगे। मतलब थोड़ा सा कड़ा रहेगा, हार्ड रहेगा, इसको नरम नहीं गूंथेंगे, क्योंकि इसमें नमक भी डाला है हमने, तो वो धीरे धीरे थोड़ा ढीला हो ही जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और खूब अच्छे से गूंथ लेंगे। ये देखिए हमने गूंथ लिया। ऊपर से फिर 1 चम्मच तेल डालेंगे जिससे आटा जल्दी सेट हो, क्योंकि मुझे ज़्यादा जल्दी है। आटे को 15 से 20 मिनट तक सेट होने के लिए रखा जाता है, लेकिन इसको फिर गीले कपड़े से आप ढक दीजिए, फिर उसके बाद ऊपर से किसी बर्तन से ढकिए। तो मुझे जो है वो 10 मिनट के अंदर, मैं बहुत जल्दी में थी इसलिए मुझे 10 मिनट के अंदर चाहिए था, इसलिए मैंने इसको गीले कपड़े से नहीं ढका, ऐसे बर्तन से ढक लिया है। आप पहले गीले कपड़े से ढके, फिर किसी बर्तन से ढके, फिर प्लेटफॉर्म पे या चौके पे जिस पे भी आप बेल रहे हैं उस पे सबसे पहले लगाएंगे तेल और इसको फिर से एक बार मैश करेंगे, अच्छे से मैश करेंगे, तेल इसमें लग जाए। खूब अच्छे से इसको मैश करेंगे। आटा तो हो ही गया है, लेकिन अगर थोड़ा देर और रखी जाए तो पूरी खूब अच्छी अच्छी फुली फुली होती है। अभी भी हुआ, लेकिन अभी थोड़ा मुझे ज़्यादा मेहनत करना पड़ा इसको, यहाँ पे थोड़ा सा और ज़्यादा मैश करना पड़ा मुझे, क्योंकि मुझे थोड़ा जल्दी था। तो ये देखिए, अब हम इसके क्या करेंगे, पेड़े बना लेंगे। आप या तो पेड़े बनाते हुए पूरी बना लें, या तो पेड़े काट के रख लें फिर बाद में पूड़ियाँ बेलें। तो पेड़े देखिए, या तो आप केवल अच्छे से देखिए यहाँ पे पेड़ा जैसा बना लें, और या तो फिर ऐसे ही गोला गोला करके रख लें और पेड़ा बनाते जाएं, बेलते जाएं, जैसे आपको इजी लगे आप लग रख कर सकते हैं। पूड़ी थोड़ी सी नॉर्मल पूड़ी से मोटी होगी, जो हम नॉर्मल पूड़ी बनाते हैं उससे ये पूड़ी थोड़ी मोटी होगी, ध्यान रखिएगा इस बात का। और ज़्यादा पतला नहीं करना है, बड़ा भी ज़्यादा नहीं करना है, तो इसलिए हम यहाँ पे थोड़े बड़े पेड़े काटेंगे।
तो यहाँ देखिए सारे पेड़े, आटे के पेड़े हमने काट लिए हैं। अब क्या करेंगे, अब इसको बेलेंगे। तो देखिए सबसे पहले बेलते कैसे हैं। पहले ये देखिए हम लगा देंगे तेल प्लेटफॉर्म पे, फिर एक पेड़ा लेंगे, उसको खूब अच्छे से गोल करेंगे, एकदम इसको एकदम गोल कर लेंगे। जितना ये गोला रहेगा उतनी पेड़ी पूरी गोल बनेगी। तो देखिए ये इसमें लगा दिया है तेल मैंने अच्छे से, और अब हम इसको बेलेंगे। ये तेल है तो ये अपने नहीं घसकेगा, आपको उठा उठा के जिधर मोटा है उधर बेलना ही पड़ेगा, तो उठा उठा के आपको करना पड़ेगा। ये देखिए अच्छे से बेल गई है पूरी, आटा लगा के नहीं तेल लगा के बेलेंगे इसको हम। और अगर कोई तेल लगा के नहीं बेल पाता है तो वो आटा लगा के भी बेल सकता है, लेकिन क्या है कि ऐसे ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन जैसे आपको सुविधा हो आप कर सकते हैं। अब दूसरा पूरी भी हम बेल लेंगे। अब ऐसे करके कुछ पूरियाँ मैंने बेल ली हैं, चलिए उनको तलते हैं और आपको दिखाते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई में डालेंगे तेल, कोई भी तेल डालेंगे, सरसों तेल इस समय अच्छा नहीं होगा, तो आप यहाँ पे मूंगफली का तेल, रिफाइंड का तेल यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए तेल, तेल को चेक करेंगे गर्म हुआ है कि नहीं, तो तेल गर्म तो हुआ है, बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है, इसको थोड़ा और गर्म होने की ज़रूरत है। अब चलिए तेल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें डालते हैं पूरी छानने के लिए। ये देखिए डाल दिया इसको हम, ये बहुत धीरे धीरे फूलेगा, आप हड़बड़ाएं नहीं कि दूसरी पूरी जैसे जैसे हम प्लेन पूरी बनाते हैं तो बहुत जल्दी फूल जाता है, वैसा नहीं है, ये धीरे धीरे थोड़ा सा समय लेके फूलेगा। और इसमें ये भी बहुत ज़रूरी है कि तेल अच्छे से गर्म हो, अगर तेल गर्म नहीं है तो पूरी एकदम से ख़राब हो जाएगी और फूलेगी भी नहीं। तो ध्यान रखें पूरी को फूलना बहुत ज़रूरी है, इसलिए तेल का तापमान कम नहीं रहना चाहिए, पहले खूब गर्म कर लें तेल को, फिर मीडियम फ्लेम पर करके फिर पूड़ियाँ तलें, तो तेल हमेशा हुआ रहेगा, तभी जाके पूरी देखिए कितनी अच्छी निकल रही है, कितने अच्छे से फूल रही है। तुरंत नहीं फूलेगी, थोड़ा सा समय लेगी फूलने के लिए, हड़बड़ाए नहीं। तो ये देखिए आप एक एक निकालें, आप चाहे एक साथ दो निकालें, जैसे आपको सही लगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए एकदम फुली फुली पूरियाँ हो रही हैं, इसमें ये नहीं कि अदरक डाल दिया, धनिया डाल दिया तो नहीं फूलेगा, ऐसा नहीं है, सारी पूड़ियाँ फूलेंगी, एकदम कुरकुरी कुरकुरी बनेंगी। और मसाला पूड़ी है ही, इसको आप मीठी वाली टमाटर की चटनी से खाएं, जो वीडियो हमारे चैनल पे उपलब्ध है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और अगर आपको और आप ग्रेवी वाली सब्ज़ी से भी खा सकते हैं जो एकदम चटपटी बनती है, अगर आपको उसका भी वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम वो भी वीडियो आपको उपलब्ध कराएंगे। और आप इसको एकदम मज़ेदार मसाले वाली सब्ज़ी से खाइए, मीठी वाली टमाटर की चटनी से खाइए, जैसे भी खाइए, अचार से खाइए, ये बहुत टेस्टी लगता है। ऐसे भी आप चाहे तो रोल करके खा लीजिए, बहुत टेस्टी, देखिए कितना कुरकुरा बना है। हाँ सारी पूड़ियाँ मैंने सेक ली, फिर भी अभी देखिए ये कितना कुरकुरा है, काफ़ी देर तक ऐसे कुरकुरा रहता है जब तक आप इसको ढकते नहीं हैं, ढकने के बाद ये सॉफ्ट होना शुरू हो जाता है। तो देखिए बन गया है अब हमारा पूरी, अब हम इसको सर्व करते हैं। देखिए ये सब्जी है, अगर आपको इसकी रेसिपी जाननी है तो हमें कमेंट करके पूछिए, हम वीडियो उसका भी उपलब्ध कराएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों, इससे हमारा मनोबल भी बढ़ता है। और अगर आपको रेसिपी हमारी पसंद आए तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, घर में बनाइए, बच्चे बड़ों सबको खिलाइए, सबको बहुत पसंद आएगी। मसाला पूरी बच्चों को टिफ़िन में दीजिए, बड़ों को टिफ़िन में दीजिए, और इस सब्जी के लिए आप हमसे कमेंट करके बताइए,
हम रेसिपी उपलब्ध कराएंगे आपको। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।